जिंदगी में लास्ट टाइम बहुत ज्यादा खुश कब हुए थे? जब मोदी की सरकार बनी थी। शाबाश बेटा, क्या हो गया? ये भी बहाना है कि मेरे से दूर रहो, मेरे से सवाल मत पूछो। कैसे डली है भैया हमारे? यार ये तो बोरा डली हुआ था, उसमें तो मजा है भाई, तब भी खुश। ब्रोज बिफोर। अब बताओ, आप लास्ट टाइम बहुत ज्यादा खुश कब भाई? मैं खुश तब था जब इसको मैंने गुद के मारा था। गुद के क्या होता है भाई? भाई बिछा बिछा के। बिछा क्या? बिछा के भाई। लास्ट टाइम बहुत ज्यादा खुश कब? कल रात को भैया। क्या 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 किया था? ऐसा कुछ नहीं किया था, बस सब कट्टे बैठे थे। क्या कर रहे थे? बैठ के क्या कर रहे थे? समझ रहे हो यार, मुझे बड़ी चाहिए आपकी। थैंक यू यार। ये कैसे, मतलब वट वट एक बार चढ़ा के दिखाना, से हाथों से करके दिखाना, मरोड़ के दिखाना। आए मित्रा दी जान वखरी भाई, सिर्फ कुछ ज्यादा नहीं हो गया। लास्ट टाइम बताओ, सबसे खुशी वाला मोमेंट असीम प्रकार की प्रसन्नता कब मिली थी हमें? कल रात को। अरे क्या किया था ऐसा भाई? वो हम बता नहीं सकते। आपसे मिला अच्छा लगा, बकलोल टीवी आपका चाहे से है ना, आप ही अच्छा लगा। मैं भी बहुत ज्यादा। ये सारे टेंथ में? नहीं मैं एट्थ में। यार ये तो दो मिनट उल्टा पुल्टा हो गया, ये टेंथ, ये एट्थ में लग रहा है, ये टेंथ में लग रहा है। What's up बकलूल जनता, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली ग्रेट। सो आज मैं एक बार फिर से आ चुका हूँ अपने जम्मू के बहू प्लाजा में, और यहाँ पर सबसे आज बातचीत करेंगे लोगों से, उनके दुख दर्द बांटेंगे, थोड़ी सी खुशियों की बातें करेंगे, जिंदगी की बातें करेंगे। नहीं ऐसा कुछ नहीं करने वाला मैं एक सिंपल और स्वीट से सवाल पूछने वाला हूँ सबको कि लास्ट टाइम आप जिंदगी में खुश कब हुए थे, बहुत ज़्यादा असीम प्रसन्नता आपको कब मिली थी। और जो भी इंसान या जो भी शख्स हमें ढेर सारा एंटरटेन करेगा या अच्छी अच्छी बातें करेगा, तो उसके लिए मेरे पास है केएस फर्नीचर हाउस के ये गिफ्ट वाउचर्स। तो चलिए चलते हैं और करते हैं लोगों से बात। और हमें लड़के मिले, ये देखे लग रहे हैं 6th 7th 8th। आप भैया कौन सी क्लास में? मैं 10th में। 10th में पहुँच गए? ये सारे 10th में? नहीं मैं 8th में। यार ये तो दो मिनट उल्टा पुल्टा हो गया, ये 8th में लग रहा है, ये 10th में लग रहा है, ये आप 8th में? चलो होता है, आजकल के जमाने में कुछ भी हो सकता है। और भैया ये पैंट बड़ी क्या, ये पट्टियां पुटियां डाली है, स्टाइल है। चलो ट्रेंड के हिसाब से, गुड, ट्रेंड के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो चलो मेरा एक छोटा सा सिंपल सा स्वीट सा आपसे एक सवाल है, आपने मेरे को बताना है जिंदगी में लास्ट टाइम आप खुश कब हुए थे? घर में जाके थोड़ा सा गम महसूस नहीं होता? रोज ही खुश होते हैं? क्या होता है? घुटन लगती। कौन सी घुटन लगती मेरे भाई? वो क्या पाबंदी लग जाती है ना घर पे? घर पे जाना, कोरोना फैला हुआ है ना, मास्क डाल के जाओ जहाँ जाना है। वो तो चलो हर किसी की जिंदगी में चल रहा है। तो उसके अलावा कोई जिंदगी में लास्ट जब बहुत ज्यादा खुश हुए थे? बता तो रहे हैं रोज ही खुश होते हैं, अभी भी हम सुबह खुश होके आए हैं। कहाँ से? क्या चंडा चढ़ा? ऐसे कौन सा चंडा चढ़ता है? गुड्डी थोड़ी डुवानी है, ऐसे से खींच के तो बीड़ी चढ़ाते हैं। ऐसे चढ़ाते भैया, ऐसे करके करते हैं। सुबह से ना, सुबह सुबह खुश हुए, चंडा चढ़ाते हैं। गुड, चलो इसी देश को वो मिले थे क्या, रूल 26 जनवरी है क्या मिला था? रूल्स एंड रेगुलेशन मिले। कौन से होंगे? कोई छुट्टी थी हमको, हम तो मेन बात छुट्टी थी, बाकी ठीक है। ये भाई मेरा पहले ही बहुत अच्छा है, मेरा सवाल भी इसी से रिलेटेड। आपने मुझे ये बताने कि जिंदगी में लास्ट टाइम आप बहुत ज्यादा खुश कब हुए थे? सर याद नहीं है। क्यों, ऐसा गम कौन सी है जिंदगी में, खुशी नहीं है? सर मोदी ने छोड़ा क्या पीछे? ये बंदा पॉलिटिकल है। क्यों मोदी ने खुशी नहीं? अरे मोदी जी की वजह से इनकी लाइफ में मतलब दुख चल रहे हैं। वाह सर, कराओ इलेक्शन, हम भी करेंगे फिर कुछ। क्या करोगे, क्या करोगे? लाइफ में कुछ हैपनिंग चीजें होगी, प्रगति होगी, थोड़ा कुछ बढ़ेगा आगे। ये भाई मेरा पॉलिटिकल है, बिल्कुल बात नहीं करूंगा। भाई आप बताओ, जिंदगी में लास्ट टाइम बहुत ज्यादा खुश कब हुए थे? जब मोदी की सरकार बनी थी। ये दोनों इनकी डिफरेंट मेंटालिटी, ये बोला जब मोदी की सरकार आई थी मैं बहुत ज्यादा दुखी हो गया था, ये बोला मैं खुश हो गया था। आप दोनों की आपस में लड़ाई तो नहीं होती इस मुद्दे? नहीं बिल्कुल नहीं, पक्का बिल्कुल, हम फ्रेंड्स हैं। लग रहा है मेरे को बातों से। फोन किसको? अच्छा फोन लग रहा है, सॉरी। चलो आप बताओ, जिंदगी में लास्ट टाइम बहुत ज्यादा खुश कब हुए थे? रोज ही होता रहता हूँ। फिर भी जो कोई ऐसा मोमेंट जब बहुत ज्यादा खुश हुआ था? याद नहीं है। ये ग्रुप थोड़ा सा फ्रेंड्स का पॉलिटिकल लग रहा है मुझे। कोई बात नहीं, कैसे हो आप? बस बढ़िया, आप सुनो। तो मेरा ना सिंपल एक स्वीट सा सवाल है आप सबसे, आपने मुझे ये बताने की जिंदगी में लास्ट टाइम बहुत ज्यादा खुश कब हुए थे आप? अभी अभी हो गया है। क्यों? राइड अच्छे करके आए हैं। राइड कहाँ पे राइड करके आए? सिद्रा से। पीछे किसको बिठाया था? ये हाय भाई, तब भी खुश? ब्रोज बिफोर। क्या बात है, क्या बात है। आप बताओ लास्ट टाइम कब खुश हुए थे? मैं हुआ
हुआ था लास्ट टाइम, आज ही खुश है। ये अबे ये सोच रहा है, इस भाई ने जल्दी से झटपट से बता दिया, मेरे पीछे बैठा था मैं बहुत खुश था। भाई आपकी दोस्ती में देख लो थोड़ी सी, मैं लग रहा है ना ना दोस्ती पक्की होनी चाहिए, अगर इस पे कोई शक करे तो भाई उसकी सोच गलत है। आए क्या बात है, आप बताओ इसके अलावा बताना आप, ठीक है ये वाला मोमेंट था आज बना, इससे पहले लास्ट टाइम बहुत ज्यादा खुश कब थे? कल रात को भैया। क्या 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 किया था? ऐसा कुछ नहीं किया था, बस सब कट्टे बैठे थे। क्या कर रहे थे, बैठ के क्या कर रहे थे? बिल्कुल समझ रहे हो, आप बताओ लास्ट टाइम कब? मैं अभी खुश तो हर वक्त खुश, तो अभी भी खुश हूँ देख लो, लेकिन आगे क्या होने वो पता नहीं, इसलिए अभी खुश रहो तो सही है। अब बस 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 बढ़िया, आपसे मिला अच्छा लगा, बग्लोर डीवी आपका चाय से हरा, अभी अच्छा लगा, मैं भी बहुत ज्यादा, अभी मेरा ये अच्छा मोमेंट बन गया, अब अभी खुश है। चलो थैंक यू। अच्छा हाय मैम, कैसे हैं आप? नॉट वेल। क्या हो गया? कफ है मुझे। ये देखो ये भी बहाना है कि मेरे से दूर रहो, मेरे से सवाल मत पूछो, कफ है, लेकिन मैं तब भी पूछूंगा, वैसे कोई डिफिकल्ट सवाल नहीं है, एक सिंपल सा सवाल है, अपने ये बताने कि जिंदगी में लास्ट टाइम आप खुश कब हुए थे? बहुत ज्यादा। मैं अभी भी खुश हूँ मुझे देख के। हाय सच्ची। दोस्तों से मिलके। फिर भी इसके अलावा कोई, आज के अलावा पीछे कोई, जब से बहुत ज्यादा असीम प्रकार की प्रसन्नता मिली थी आपको? नहीं अभी जिंदगी बहुत हसीन चल रही है बस। किसके साथ हसीन? लास्ट टाइम बताओ सबसे खुशी वाला मोमेंट असीम प्रकार की प्रसन्नता कब मिली थी? हमें कल रात को। क्या किया था ऐसा भाई? वो हम बता नहीं सकते। अच्छा क्या किया था इसने रात को? भाई ये रात को यार कर रहा होगा कुछ, लगा हुआ था कल फ्रेंड के साथ कॉल पे था, आगे पता नहीं क्या क्या किया इसने यार। तो आप बताओ आप लास्ट टाइम बहुत ज्यादा खुश कब? भाई मैं खुश तब था जब इसको मैंने गुद के मारा था। गुद के क्या होता भाई? भाई बिछा के। बिछा क्या? बिछा के भाई इसको जमीन पे बिछाया था, मारा ही था ना। सीट क्यों? थोड़ा प्यार से। अब बताओ लास्ट टाइम आप जिंदगी में बहुत ज्यादा खुश कब हुए थे? भैया कल ही हुए थे। क्या किया था इसको? इसको भैया कल लिफ्ट में था, बड़ा मारा इस बंदे को, ये मास्क के नीचे यार। क्यों मारा ये भैया? जमे मरने के लायक था। बाकी सब चीजें बाद में यार, मूछें बड़ी सही है आपकी। थैंक यू यार। ये कैसे मतलब वट वट एक बार चढ़ा के दिखाना, से हाथों से करके दिखाना, रोड के दिखाना। आए मित्रा दी जान वकरी। थैंक यू। जैसे कि वो गाने में लोगों ने मशूक रखी होनी, मित्रा ने मूछें रखी है, तो आपने मूछ रखी है, तो मशूक भी रखी है। ये गलत बात है यार, ऐसे नहीं करना होता, तो आपने गाना फेल कर दिया। जो सच्चा भाई वो सच्चा। गुड, ये बात हुई ना। तो चलो इसी बात पे मेरे को बता दो, जिंदगी में लास्ट टाइम आप खुश कब हुए थे? भैया हम कर रहे हैं वीजे का ट्राई। वीजे का जिस दिन लग गया, खुशा लग गया ना, उस दिन खुश हो। जाना कहाँ पे है? हमने जाना कहते हैं माल्टा। हाँ जी माल्टा यूरोपियन कंट्री है। माल्टा तो वो भी होता ना, एक फ्रूट होता है माल्टा। हाँ तोता दशहरी माल्टा वही ना। अच्छा माल्टा जाना है तो अच्छा, आपने वीजा पे वो स्टैंप लगानी है। हाँ हाँ। ये तो वो वाला डायलॉग मार दो ना, मुंशी भी आपकी एक ठप्पे पे मुंशी भाई है। मुंशी इसका नाम है भाई, मुंशी इसका नाम मुंशी है। ना ना भाई यार ये ऐसे ही बोलते हैं। घर वालों ने नाम रखा था या दोस्तों ने? नहीं नहीं दोस्तों नहीं है ये, ऐसे ही क्यों रखे मुंशी नाम इसका? सारे मतलब की जो पुठे सीधे काम है इसके पास मुंशी। चलो बढ़िया। अच्छा वो वाला डायलॉग मार दो ना, आपने ठप्पा लगाना ना वीजे पे, मतलब एक कागज पे ठप्पा नहीं लगेगा तारा पाकिस्तान नहीं जाएगा। नहीं हम डोंकी लगा के जाएंगे। जाएंगे जाएंगे जरूर। चलो बढ़िया, थैंक यू। सत श्रीकाल पाजी, की हाल चाल? मेरा एक सिंपल सा स्वीट सा सवाल है, आपने याद करना है जिंदगी में ना लास्ट टाइम आप खुश कब हुए थे, जब असीम प्रकार की खुशी आई थी आपकी जिंदगी में लास्ट मोमेंट? न्यू ईयर पे। न्यू ईयर पे क्या किया था? ड्रिंक की थी। तो वही खुशी के मोमेंट होते हैं, वही मान लिए वही होते हैं। इसमें क्या है यार, कौन जी कहते? डलोजी कहते। हां जी। उधर क्या क्या हुआ था? उधर हमने ड्रिंक किया, हमने फंक्शन किया, नाचे नुचे, चिकन चुकन खाया। सबसे ज्यादा टल्ली कौन हुआ था? सबसे टल्ली है भैया हमारे। यार ये तो बोरा टल्ली हुआ था, उसमें तो मजा। पता ना हो क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, बस अपनी दुनिया में, दीन दुनिया से अलग हो जाओ, वही बस खुद। वी आर द किंग ऑफ दिस वर्ल्ड। अच्छा ऐसा जब मोमेंट होता है ऐसे दोस्तों में शर्त लगती है ना, लास्ट में बोतल में खत्म करूंगा लास्ट? नहीं, मतलब एक होता है ना कि जो सबको संभालने वाला एक होता है, बाकी सारे टल्ली आप में से संभालने वाला वो भैया चुप रहे हो, वो नहीं आएगा यहाँ पे। चलो ठीक है। अच्छा तो डलहौजी में जाके फिर कमरे में ही मतलब मुझे एंजॉय, बाहर वगैरह घूमे नहीं? हम गए थे, सुबह गए थे मकलोरगंज वगैरह सारे। चलो बढ़िया है। तो आपकी जिंदगी में भी यही बेस्ट मोमेंट है? या, खुशी वाले पल लास्ट? जब सारे दोस्त वगैरह इकट्ठे हो जाएं तब भी हमारे लिए खुशी। नहीं तो बात है। चलो इसी बात पे ना मेरे को एक दूसरे के लिए डेडिकेट करो, गाना साथ में गाओ, तेरे जैसा यार कहां। चलो ठीक है। ये दोस्ती गा के सुनाओ। वो गा के सिंगर, मैं गाता हूं साथ में। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। आगे नहीं आता। तोड़ दी इन्होंने, तोड़ दी दोस्ती, तोड़ दी खत्म, गाना ही नहीं गा रहे। चलो कोई बात नहीं, थैंक यू।
बट रुको, इन्होंने एंटरटेनमेंट हमें बहुत ज्यादा दिया, इसलिए इनको मिलेगा केएस फर्नीचर हाउस की तरफ से 5000 के गिफ्ट वाउचर। केएस फर्नीचर हाउस में जाओ और कुछ भी सामान खरीदो, आपको बहुत भारी डिस्काउंट मिलेगा। इन्होंने भी एंटरटेनमेंट बहुत ज्यादा दिया, तो आपको मिलते केएस फर्नीचर हाउस की तरफ से गिफ्ट वाउचर 5000 के। जाओ कोई भी सामान खरीदोगे, घर वालों को बोलना मम्मी केएस फर्नीचर जाना है, उधर हमें डिस्काउंट मिला, ठीक है? ये त्रिकुटा नगर मार्बल मार्केट। तो इन्होंने बहुत ज्यादा प्रसन्न किया हमें, तो इनको मिलता है केएस फर्नीचर हाउस की तरफ से गिफ्ट वाउचर 3000 का। थैंक यू सो मच। इन भाई साहब ने बहुत ज्यादा एंटरटेन किया, आपको मिलता है केएस फर्नीचर हाउस की तरफ से गिफ्ट वाउचर। थैंक यू। जाओ सर, माल्टा जाना होगा, घर वालों को सामान लेके देना पहले, वुडन जो भी आपने लेने को फर्नीचर का। कोई बात नहीं, इसका सर क्या वाउचर है? वाउचर जाओ सर, डिस्काउंट मिलेगा आपको 5000 का, 4000 का। ठीक है सर, थैंक यू, थैंक यू। तो आज हमने की ढेर सारी बातें लोगों से, उनसे पूछा कि जिंदगी के लास्ट मोमेंट जब उनको बहुत ज्यादा प्रसन्नता मिली थी, बहुत डिफरेंट डिफरेंट जवाब मिलकर, तो उन जवाबों की वजह से आपके चेहरे पर मुस्कुराहट ही आई होगी, क्योंकि बकलूल टीवी का मकसद आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लाना। एंड वन मोर थिंग, अगर आपको भी अपने घर के लिए फर्नीचर लेना है तो केएस फर्नीचर हाउस जाइए। ये तो गिफ्ट वाउचर 5000 के जो मैंने डिस्ट्रीब्यूट, स्पेशल डिस्काउंट लेना है, टीवी का नाम लेकर केएस फर्नीचर हाउस में जाइए। स्पेशल साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, यू कीप वॉचिंग द बकलोल टीवी।